अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज की पाकिस्तान पोलेमिक्स पॉडकास्ट में हमारे साथ थे जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। बहुत हमने बातें की कश्मीर के मामले पे, बात की जो अभी इंडियन कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है, उसके साथ साथ डिस्पैरिटी के क्या हो रहा है हमारी आवाम के साथ, किस तरह से हमारी हुकूमत उनको ट्रीट कर रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में अशराफिया के लिए कानून कैसे बनाए जा रहे हैं और कैसे उनके लिए लिटरली इस मुल्क को जन्नत बनाया जा रहा है, लेकिन उस जन्नत की कॉस्ट आम आवाम दे रही है जिनके लिए ये मुल्क दोजख बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर्स के इशू पे भी हमने बात की, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से हमने बात की, ये और इसके अलावा और बहुत कुछ। देखिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जो आपका कोई भी क्वेश्चन हैं, आपके कॉमेंट्स हैं, वो हमेशा हमें उसका इंतज़ार रहता है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा इससे पहले कि आप पॉडकास्ट देखना शुरू करें कि ये पाकिस्तान पोलेमिक्स पॉडकास्ट का ये पहली पॉडकास्ट है जो हमारे नए स्टूडियो में हुई है, एंड वी हैव बीन ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड बाय हैविंग सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। कोशिश करेंगे कि अपना मियार हम ऐसे ही कायम रखें। एंजॉय कीजिए पॉडकास्ट और अपनी फीडबैक से हमें नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, भाई साहब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जनाब। वैसे आप इन टाइटल्स से या आप इम्यून हो चुके होंगे या तंग आ चुके होंगे, वन मैन आर्मी, उम्मत का शेर नर, सेनेट में इस्लाम की आवाज़ एंड सो फोर्थ, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो टाइटल्स हैं जो वी बिलीव कि आप डिज़र्व करते हैं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। उससे जो दो चार मेन चीज़ें हमने आज डिस्कस कर रही हैं आपसे, एक तो जो आपका टूर था जो गजा के लिए आपने एक आवाज़ में सफ़र हुए थे, ऑब्वियसली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब के हवाले से, और जो स्टेट लेवल की बातें हैं जैसे ट्रांसजेंडरिज्म है, तो पब्लिक में इंफॉर्मेशन है जो आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि आप इस वक्त जो ताकत का ईवान है आप उसका हिस्सा हैं, तो उस एंड पे क्या हो रहा है और लोगों को क्या पता होना चाहिए उस हवाले से, ये बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं जो गजा का आपका सफ़र था, क्या इरादा था और क्या आप समझते हैं कि जो भी आपका एम था कि आपने वो अचीव करना है वो आप कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, ये जो आपने इतने अच्छे खिताबात मुझे दिए या बिल्कुल आपके आवाम दे रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत का इजहार है और अल्लाह ताला करे कि मैं ऐसा हूँ और पाकिस्तान के आवाम का, इस्लाम का और यहाँ के जो अखदार हैं, लोगों के हकूक हैं, उनका मुकदमा लड़ सकूँ। गजा का जो मेरा सफ़र था वो बुनियादी तौर पर एक इतना बड़ा एक सानहा था, एक हादसा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ रहूँ, और मेरी यानी जिसको कहते हैं ना, अंदर से एक ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म की एक वो उठ रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए। जी, तो उसी की बुनियाद पर मैंने बड़ी मुश्किल से इजिप्शियन एम्बेसी से वीज़ा लगवाया, बड़ी मुश्किल से, बड़ी सफारिशें लड़ा कर, और उन्होंने वीज़ा भी मुझे सिर्फ दो हफ्ते का दिया। फिर वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल घेरे रखा, जिस होटल में मेरा क्याम था वहाँ पे भी उन्होंने एक पुलिस का अफिसर बिठाया था, मैं मस्जिद जाता था मेरे साथ जाता था, मैं गाड़ी में बैठता था, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें वो सेव करता था। तो उन्होंने मुझे बहुत ही कोशिश रखा कि महदूद रहूँ मैं, लेकिन मैं जा इसलिए रहा था कि मैं गजा जाना चाहता था, और मैंने सेनेट से भी जो लेटर लिखा था पाकिस्तानी एम्बेसी को इन कैरो, उसमें लिखा था कि पर्पस ऑफ विजिट गजा, तो मैं गजा जाना चाहता था। और ज़ाहिर है गजा जाने के लिए आपको पता है कि एक ही रास्ता है और वह है सहराई सीना से रफा क्रॉसिंग के लिए गजा में आता है, तो मैंने वहाँ जाके कोशिश की कि मैं जा सकूँ। अब यह है कि आप जब सहराई सीना जाएंगे तो मिस्र का जियोग्राफी ऐसा है कि ये जो स्विस किनाल है इसने मिस्र को दो हिस्सों में तकसीम किया, बिल्कुल, और बहुत बड़ा स्विस किनाल है जी। उसके नीचे टनल से, उन टनल से आप गुजर के सहराई सीना में दाखिल होते हैं, और फिर सहराई सीना में 250 किलोमीटर का सफर रफा क्रॉसिंग, यानी काफ़ी दूर है, तो उसमें आप बगैर हुकूमती इजाज़त के उस टनल को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा इजाज़त ली कि मैं कम से कम रफा क्रॉसिंग तक या उसके करीब जाऊं,
तो मुझे रफा क्रॉसिंग की इजाजत तो नहीं, लेकिन उसके करीब 30-35 किलोमीटर पर मैं गया और एक जो इमदादी सामान का जहाज आ रहा था अलखिदमत की तरफ से था 90 टन का, वो मैंने वहाँ रिसीव किया। जो है सर आईसीना ने बहुत बड़ा एयर स्ट्रिप बनाया है वहाँ, इजाजत करते हैं, और हंगामी आर्जी उन्होंने वहाँ पे कुछ कमरे और उन्होंने वेयर हाउसेज बनाए हैं, उसमें अनलोड होते हैं जहाज। तो वहाँ मैंने वो जहाज रिसीव किया और खुद इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले किया। तो लेकिन मुझे रफा क्रॉसिंग का और फिर गजा में दाखिल होने, और मैं किस लिए जा रहा था, मैं जा रहा था कि मैं उनके साथ ताजियत करूँ, शहादा की फातिहा पढ़ूँ, वहाँ मरीजों की, वहाँ पे दर्दमंदों की कुछ खिदमत करूँ, उनको इजहार यकजहती उनके साथ करूँ, इजहार हमदर्दी उनके साथ करूँ, पाकिस्तान की तरफ से उनको पैगाम पहुँचाऊँ, नुमाइंदगी करूँ पार्लियामेंट और कौम की, ये मैं चाहता था। लेकिन बावजूद कोशिश के 3 दफा फॉरेन मिनिस्टर तक, उनके फॉरेन ऑफिस तक हमने कोशिश की, फॉरेन मिनिस्ट्री तक, कि हम हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। और बदकिस्मत यह है कि मिस्र एक पुलिस स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ लोगों को मसाजिद में कुनूत नाजिला के अंदर इसराइल को बददुआएं देने का और गजा के लिए दुआएं करने की इजाज़त है, इसके अलावा किसी को कोई सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। फलस्तीन का झंडा, फलस्तीन का नाम, गजा के लिए नारे लगाना, जलसा करना, अपनी जज्बात के किसी भी सूरत में उसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं वहाँ पर था तो ये खबर आई कि, और मैंने खुद देखा कि नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया सीसी का कि सीसी मेरा भाई है, यानी जो जिसके 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 हाथों से खून टपक रहा है और जिसके जिसका जिसके जिसके मुंह से खून टपक रहा है मुसलमानों का, वो कह रहा है कि सीसी मेरा भाई है। और सीसी ने कहते हैं 2 हेलीकॉप्टर भेजे जो रॉकेट गजा से फायर होते हैं इसराइल की तरफ, उससे जो आग लगती है तो उसके बुझाने में मदद के लिए, फायर फाइटिंग के लिए 2 हेलीकॉप्टर उन्होंने भेजे। और मुझे दूसरी जो चीज़ से दुख हुई वो ये, एक तो इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, ये जो हमारे यहाँ ट्रेटर्स हैं, ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट है, ये जो हमारे ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल जो इस्तेमार के लोग मुसल्लत हैं, इन्हीं की वजह से उम्मत जो है आज जवाब। दूसरी जो मुझे दुख और तकलीफ हुई वो ये कि जब मैंने वहाँ सामान हवाले किया इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के, तो मुझे इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने और वहाँ पे मिस्री गवर्नमेंट के अमले ने बताया कि पूरा सामान जाएगा पहले इसराइल, इसराइल इसकी स्कैनिंग करेगा, चेकिंग करेगा, और फिर मुझे यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है, यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है उसको उनरवा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्क्स रिलीफ एजेंसी फॉर फलस्तीनी रिफ्यूजीज, तो उनरवा के चीफ ने भी मुझे बताया कि जो सर्जिकल आलात होते हैं और उसमें लोहा होता है या कोई केमिकल होती है तो इसराइल उसको भी जाने नहीं देता। यानी ये जो 5 दर्जन मुस्लिम ममालिक है, 80 लाख आर्मी है, 2.25 लाख उम्मत है, 70% नेचुरल रिसोर्सेज है, गैर मामूली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये इतना नहीं कर सके कि उन मजलूमों के लिए एक गोंद पानी और रोटी का एक टुकड़ा इसराइल की याद के बगैर वहां। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये जो सब दुख है, दुख तो एक उसका है ना कि वहां पे लोग कत्ल हो रहे हैं, कट रहे हैं, हम देख रहे हैं, बेबसी है, कुछ कर नहीं सकते। तो तीसरी चीज से मुझे दुख है वो ये कि इसराइल को 1 महीने के अंदर 10,000 टन का असलाह फराहम किया गया और ये सारा असलाह मुसलमानों के एयर स्पेस से और मुसलमानों के समंदरी रास्तों से जाके इसराइल पहुंचा है। इसराइल क्या है? मकबूजा फलस्तीन है और वहीं से वो मुसलमानों के खून बहाने में, कत्लेआम में इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान है ये मुजरिम है, मुजरिम है और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने हशर के मैदान में ये इनसे पूछा जाएगा, उम्मत का और खुसूसन फलस्तीनियों का इनके खिलाफ इंशाल्लाह दावा होगा, इंशाल्लाह दावा होगा। इनकी वजह से ये जो दुख और दर्द है इसमें इजाफा हुआ। यानी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एयरिंग एंड बैटिंग तो हो गई कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपनी पानी, अपनी एयर स्पेस वो मुहैया कर रहे हैं कि वो असलाह वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में भी हमारा ये एक इशू इस तरह का है कि अगरचे मेरे पते में कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जहाँ कहीं आप गजा की बात करें उसमें दिक्कत पैदा होती है। यहाँ पे लाहौर में इदारों ने कोशिश की
प्राइवेट इदारे हैं कि जो गज़ा पे बात करें, एक जगह कोशिश की तो गज़ा का नाम सुनते ही उन्होंने इजाज़त नहीं दी, दूसरी जगह कोशिश की तो फिर इजाज़त नहीं दी, तीसरी जगह उन्होंने जाके कदाफी स्टेडियम में कर तो लिया, लेकिन वो भी उसके पीछे भी एक कहानी है कि किस तरह से वो इवेंट इवेंचुअली वो कामयाब हुआ। उसके बाद मेरी अपनी एक स्पीच थी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंसेज में, गज़ा पे ही उन्होंने किया था। एक दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन आया कि नहीं, वो इजाज़त नहीं मिल रही है, आपका इवेंट वहाँ पे नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में ये हालत है कि वहाँ पे जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है पब्लिक, ये रिकॉर्ड पे बात आ चुकी है, ही नहीं कि कोई खुफिया ख़बर नहीं है, कोई भी आदमी इसको सर्च इंजन पे देख सकता है कि वो फंडिंग रोक रहे हैं उन साइंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कि जो गज़ा के हक में बात करें या इसराइल के खिलाफ बात करें, कि आपके पैसे रोक देंगे। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई आदमी कह सकता है कि शायद इसलिए इजाज़त ना दी गई हो कि एक साइंसी इदारा है वो सियासत में नहीं आना चाहिए, तो मैं एक पर्सपेक्टिव में लेके आना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा हो रहा है कि साइंसी इदारे जो हैं उन पर सियासी जबर मुसलत किया जा रहा है इस हवाले से। तो ये तो हमारा मसला पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन जो मिस्र की आपने बात की कि फेयर इनफ, कंट्री टू कंट्री हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो वो एक जैसे हैं, मिस्र के लोगों का रवैया पाकिस्तानियों के हवाले से या गज़ा के हवाले से वो कैसा तजर्बा रहा आपका? देखें, मिस्र के लोगों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि कुरान पाक बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं इस बात, इतने बेहतरीन कारी हर बंदा कुरान के साथ, वहाँ आपको एक मोहब्बत मिलेगी और आप चलते फिरते उस समाज के अंदर आपको मुस्तकिल आपके कानों में पुरानी आयत का गूंज है वो आपको सुनाई देगी। मैं कोशिश करता था कि जहरी नमाजें मैं मुख्तलिफ मसाजिद में पढ़ूँ, महल्लों में निकलूँ, मुतवसत तबके का इलाका था उसमें मैं रिहाइश होती हुई थी, हर मस्जिद में कुनूत नाज़िल, हर जहरी नमाज में कुनूत नाज़िल, और लोगों का एक ऐसा जज्बा था। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ मिस्र के अवाम को इजाज़त दी जाए, सिर्फ मिस्र को, कि आप आज़ाद हैं और आप अगर गज़ा के लोगों की मदद करना चाहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको ना असलहे की ज़रूरत है, उनको ना पैसों की ज़रूरत है, उनको ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ मिस्र के लोग उनके लिए काफ़ी होंगे। बदकिस्मत यह है कि जबर का एक निज़ाम, एक घुटन का निज़ाम, खौफ, टॉर्चर, पाबंदियाँ, गला घोंटना, अपने ही यानी ये जो दुश्मन के सामने बुजदिल और डरपूक बने होते हैं और अपने आवाम के सामने खुनख्वार और चंगेज और हलाकू, इसकी वजह से बेचारे दबे हुए हैं, आवाज नहीं उठा सकते। तो आवाम के अंदर मैंने देखा कि उनके 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 दिल जख्मी थे, उनके उनके जो जो जिस इल्हा, जिस खशुआजू, जिस गिरियाबुजारी के साथ वो कनूत नाज़िला पढ़ते थे ना, रोते थे उसमें। तो मैं समझता हूँ कि मिस्र के आवाम जो हैं वो जिंदा हैं, मिस्र के हुक्मरान वो फिरौन की तसलसल है, वो फिरौन का तसलसल है, और फिरौन जैसे जबर उन्होंने इस्तेमार की खुशनूदी के लिए अपने आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो समझ में आने वाली बात है ना कि जो डॉक्टर मुर्सी की गवर्नमेंट को बाहर निकालने का और ये जो वहाँ पे जो सेटअप हो लाने का तो मकसद ये था ना कि इसराइल को जो बैकिंग चाहिए, जो सेफ्टी चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे इख्वान की हुकूमत होती तो आज नक्शा क्या होता प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये वाला ना होता, ये तो उसका तो हमें आइडिया है। अच्छा, जब आप, जाहिर सी बात है आप एक पाकिस्तान के नुमाइंदे बन के वहाँ पे गए हुए थे, पॉलिटिशियन आप यहाँ पे हैं, वहाँ पे तो लोगों के लिए जो पहला आपका तारुफ था कि आप पाकिस्तानी हैं, फिर है कि आपका आप क्या करते हैं, तो कोई कनेक्टिविटी आपने उनकी देखी है ऐसी कि मिस्र के लोगों की पाकिस्तान के हवाले से कि अगर हम मिलके कुछ कर सकें गज़ा के लिए, या कोई हमारी, मैं जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो आपने दुनिया में देखा है कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की रेपूटेशन वो तो पब्लिक में आमतौर पर आती रहती है, रियासत की रेपूटेशन आती रहती है, लेकिन ब्रादर मुसलमान ममालिक हमारे जो हैं उनकी आवाम, पाकिस्तान के आवाम के बारे में क्या राय रखती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये न सिर्फ यहाँ बल्कि इससे पहले मैं साउथ अफ्रीका गया और मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिलता है। पाकिस्तान का जो इमेज है आवाम का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग उसको कदर की निगाह से देखते हैं। मैं जब बाज़ार में निकलता था किसी दुकान में या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, इवन ये है कि मैं बाल बनाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास गया, मस्जिद जुमे के पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, और जहाँ मैंने ये अपनी तारुफ करा कि पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं,
कि मैं जो आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान की जो शनाख्त है ना वो इस्लाम और उम्मत के लिए तड़प की है, कि जब खिलाफत, जब हम गुलाम थे, खिलाफत की तहरीक हमने यहाँ से चलाई, फिर आप देखें फंड्स यहाँ से, और आपको पता है कि यहाँ से डॉक्टर्स और नर्स जा रहे थे ताकि उन जख्मियों की और उन फौजियों की इलाज करें। जब वो लखनऊ से गुजर रहे थे, पता है क्या हुआ, उन सारे लोगों के जो जूते थे वो लोगों के आंसुओं से तर हो गए थे, उनके पांव छूते थे और रोते थे कि ये लोग जा रहे हैं और खिलाफत के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके ये इलाज मुआवजा करेंगे, तो पाकिस्तान की शनाख्त है। और फिर इकबाल ने जिस तरह फलस्तीन का इशू उठाया, कायद ने जिस तरह फलस्तीन का इशू उठाया, यानी आप देखें परवेज मुशर्रफ के आने से पहले बोस्निया की जंग आजादी तक पाकिस्तान का एक रोल रहा है, जबरदस्त रोल रहा है। परवेज मुशर्रफ जब आया और उसने ये नारा लगाया कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, उसके बाद आलमी इस्लाम के ताल्लुकात से पाकिस्तान लातालुक होना शुरू हो गया और पाकिस्तान पस मंजर में चला गया, वरना पाकिस्तान उम्मत का उम्मत की क्यादत करता था। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी आवाम बहुत कदर करते हैं पाकिस्तान की और बड़ी उम्मीदें रखते हैं पाकिस्तान से। ये पॉलिसी शिफ्ट की जो गुंजाइश बनती है, अब दुनिया में जो माहिरीन हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो ये लिबरल सेकुलर ऑर्डर है ये अब अपने इख्तिताम तक आ चुका है, अगरचे वेस्ट इस सॉलिपसिज्म में रहा बहुत अरसा कि नहीं यही एंड ऑफ हिस्ट्रीज है, अब इसके बाद रहती दुनिया तक यही निज़ाम रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि 96 से लेकर 2006 तक ये इस निज़ाम ने कोई अपनी थोड़ी सी पीक देखी, लेकिन 2006 से लेकर अब तक मुसलसल हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में वो डिक्लाइन पे जा रही हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ख़ुद जो उनके कोलैप्स के माहरीन हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 70-80 साल की ये बात है, उसके बाद ये सिविलाइजेशन रहेगी सिग्निफिकेंस, जो पॉलिटिकल माइट है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन है, इनोवेशन डेफिसिट है, इनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उनको नज़र आ रहे हैं। ब्रिक्स वाले लोग इंटेलिजेंट इनफ हैं कि वो ब्रिक्स प्लस पे चले गए कि अब हम यूरोपियन यूनियन से उन्होंने स्टार्ट किया है कि उसको हम रिप्लेस करेंगे, और यूरोपियन यूनियन जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है उसका एक बड़ा अहम सतून है। इनफैक्ट वहाँ पे बात ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि जर्मनी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, वो यूरोपियन यूनियन की वजह से बन नहीं सकता, लेकिन इटली और जर्मनी दोनों की मर्ज़ी है कि वो इस सिस्टम के अंदर आ जाएं। हमें जो पॉलिसी शिफ्ट, मैं जिसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ कि जो एक पावर वैक्यूम अगले कुछ अरसे में आने वाला है, क्योंकि 50-60 साल की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, क्योंकि लगता ये है कि आमतौर पर जो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा अरसा रही वो उसको ख़त्म होने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन हिस्ट्री इस बात को सपोर्ट नहीं करती। इस्लामिक जो माइट थी सिविलाइजेशन की वो भी बड़ी जल्दी ख़त्म हुई थी, रोमन बहुत लंबा अरसा रही लेकिन उसकी भी जो माइट थी वो बड़े जल्दी ख़त्म हो गई, जो रोल बैक है बड़े जल्दी होता है। मैं जिस पॉलिसी शिफ्ट की बात करता हूँ कि हमारे हुक्मरान क्या नहीं देख सकते कि आलम इस्लाम में पाकिस्तान को अब भी कदर की निगाह से देखा जाता है, और मैं ख़ुद भी इसका विटनेस हूँ, अभी जब यूके में रहा, मैं जो दीगर इस्लामी मुल्क हैं उनके मुसलमानों के साथ काम करता था, तो उनके लिए एक चीज़ थी कि बंदा पाकिस्तान से है, बहुत लोग कदर करते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क, एक पावर वैक्यूम आगे आने वाला, लिटरली एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, लॉ चाहिए आपको, पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स चाहिए आपको, एकेडमिया चाहिए, मीडिया चाहिए, न्यूक्लियर पावर चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, इट्स ऑल देयर। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सामने कोई आदमी किसी डिश बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने रख दे और बताए कि आपकी डिश बनने की एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, फिर भी इस नेमत से हम फ़ायदा ना उठाएं। मैं ये राय रखता हूँ, मेरे पास कोई फिक्ह की डिग्री नहीं है, मैं कोई नहीं दे सकता फतवा इस पे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हिसाब लेना मुसलमानों से कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम्हारा बहाना भी ख़त्म हो रहा था कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जकड़ा, इंटरनेशनल ऑर्डर तो ख़त्म हो रहा था। तो ये इतना कुछ देखने के बाद आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है आप उन लोगों के रुझानात को देखते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, सारी चीज़ों को आप देखते हैं, आपको कहाँ नज़र आता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें नज़र नहीं आ रही है, चाइना को नज़र आ रही है, ब्राज़ील को नज़र आ रही है, ब्रिक्स के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़र आ रही है, वे डू बी गो रॉन्ग। मैं थोड़ा सा आपकी इस बात का एक और रुख भी सामने लाना चाहता हूँ। देखें आपने जो बात की ब्रिक्स की,
چائنا کی بات کی, اس کو میں معاشی منصوبے کہتا ہوں. ایک منظم اکانومیز ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اکانومیز فیل ہو رہے ہیں تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے منظم اکانومی وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ ہم اس کو ریپلیس کریں. تہذیب کی جہاں تک بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. تہذیب دنیا میں بڑی بڑی جو ہیں وہ تقریباً چار, ایک انڈین سولائزیشن ہے بہت پرانی کلاسک لیکن وہ جیوگرافی میں مقید, دوسری چائنیز سولائزیشن ہے وہ بھی جیوگرافی میں چار پانچ ہزار سے مقید, جو عالمی سولائزیشن سے وہ دو ہی, وہ دو ہی ویسٹرن سولائزیشن سیکولر لبرل آرڈر جس میں آپ نے کہا اور اسلام. اب آپ دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کی آپ جو سیکورٹی کونسل ہے جو پی فائیو ہے پرماننٹ فائیو ہے, آپ اس کی ترتیب دیکھیں اس میں سب کا جگہ ہے اسلام کا نہیں, اسلام کا نہیں. جو بین الاقوامی طور پر انسانیت کو اپیل کرے وہ یا ویسٹرن سولائزیشن یا اسلام. ویسٹرن سولائزیشن فیل ہو چکا, آپ دیکھیں کہ اکوپائی وال اسٹریٹ کہاں سے اٹھ رہا ہے, وہاں سے اٹھ رہا ہے جہاں کیپیٹلزم کی جنم بھومی تھی, بالکل جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ برطانیہ میں منسٹری آف لونلینس, وزارت تنہائی, اور وہ کہتے ہیں کہ تنہائی روزانہ کی بنیاد پہ ایک شخص کے صحت کو اتنا نقصان پہنچا رہی جتنا 50 سگریٹ پینے روزانہ. ان کے پاس کوئی علاج نہیں. آپ نے دیکھیں کہ ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے کلیش آف سیولائزیشن آپ پڑھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیبورٹریوز میں ایشین ہیں, ہمارے لائبریریوں میں ایشینز ہیں, ہماری انوویشن کو ریپلیس کر رہے ہیں. تو کولیپس ہو گیا ہے ان کا فیملی سسٹم, وہ ایک روحانیت کے سہارا کے اندر ہیں, وہ ایک شدید قسم کے ایک کرائسس سے اس وقت گزر رہے ہیں. اور آپ تو 50 سال بتا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ 25-30 سال میں معاملہ بہت واضح ہو. میں قطع کلامی کی معذرت, یہ تو 50-60 سال تو میں جو پبلش رپورٹس ہیں ان کی روشنی میں, کچھ ٹائم پہلے میں ایک امریکن سے بات کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں تو آپ اچھے نہیں لگتے ہیں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے ہم بائسڈ ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی 20 سال کہا تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے, اچھا اب اس کو ریپلیس کرنے کا جو یعنی انسانی, آپ دیکھیں خاندانی نظام, آپ دیکھیں روحانیت, آپ دیکھیں اخلاق اور اقدار, وہ آپ دیکھیں چائنا کا, آپ دیکھیں میں چائنا کا آپ کو بتاؤں, چائنا ایک منظم اکانومی تو ہے لیکن باقی طور پر وہ ایک ایکسٹینشن آف دا ویسٹرن سیولائزیشن ہے. آپ دیکھیں وہیں شراب خانے, اسی طرح جوا خانے, اسی طرح مطلب یہ ہے کہ نفس کی بندگی ہے, یعنی دیکھیں بیسیکلی تو انسان یا اللہ کا بندہ ہوگا یا نفس کا بندہ ہوگا, یہ دو بنیادی نظریے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر اسی سے شروع ہو جائے, روٹ یہ ہے, جڑ یہ ہے. تو وہ ایک توسیع ہے ویسٹرن سیولائزیشن کی, انڈین سیولائزیشن بھی اب ایک توسیع ہے ویسٹرن سیولائزیشن کی, ان کی اپنی شناخت ختم ہو چکی ہے. جو سیولائزیشن ہے دنیا میں اس وقت وہ اسلام ہے, جن کے پاس سب کچھ ہے, یعنی آپ دیکھیں جن کے پاس ورلڈ ویو ہے, جن کے پاس بین الاقوامی نظام ہے, جن کے پاس ریاستی نظام ہے, جن کے پاس سماج کا نظام ہے, جن کے پاس خاندانی نظام ہے, جس کے پاس ایک فرد کے لیے پورا پیغام ہے, جس کے لیے مطلب جو آپ کی دنیا اور آخرت کا احاطہ کرتا ہے, وہ صرف آپ کا اسلام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے موقع تھا, یہ اس سے بھی بڑا موقع ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ اس سے بھی وہ تو ایک معاشی اپرچونٹی ہے, یہ ایک تہذیبی اپرچونٹی ہے مکمل طور پہ, اور کہ آپ لوگوں تک اسلام. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بدقسمتی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران طبقہ مسلط ہے نا, میں اگر ایرک مارگولیس سے مستعار ہوں ان کے الفاظ, وہ کہتے ہیں کہ اس کی کلٹیویشن ویسٹ نے کی. آپ کا حکمران طبقہ, آپ کا ملٹری انہوں نے بنایا, آپ کی سول بیوروکریسی انہوں نے بنائی, آپ کا جاگیردار طبقہ بالکل جو اسی سے سیاست دان آتے ہیں, آپ کا انٹیلیجنشیا جو یونیورسٹیز ہیں, جو انٹیلیجنسیا, تو یہ وہ رولنگ ایلیٹ ہے جو کہ ریاست کی تشکیل کرتا ہے, چلاتا ہے, وہ سب کے سب ان کا ہے. تو اس کی کلٹیویشن ہم نے نہیں کی, انہوں نے, اور یہ اچھا پھر ان کو یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ہمارے,
और कहते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल है, हम इसी के जरिए से इस उम्मत को कंट्रोल रखते हैं। आप देखें ना, मतलब ये है कि सऊदी शहजादों की जो दौलत पड़ी हुई है मगरिब के बैंकों में, एक अंदाजे के मुताबिक उसकी मालियत है 1,000 अरब डॉलर। आपको पता है हुस्नी मुबारक जब 31 साल के बाद उतरा तो उनकी जाती दौलत कितनी थी? 72 अरब डॉलर। आपको पता है जैनुल आबिदीन की कितनी थी? 70 अरब डॉलर ट्यूनिस के। आपको पता है जैनुल आबिदीन के मलिका के लिए रोजाना एक चार्टर तैयार पेरिस से उड़ के उनके लिए आइसक्रीम लाता था। असल मसला यह है, जब तक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं आएगा उम्मत के अंदर और हम अपने गर्दनों से, अपने कंधों से मगरब के इन असासों को उतार नहीं फेंकेंगे, ना नॉलेज रिनासा होगा, ना माशी तौर पर खुद मुख्तारी आएगी, ना हम ये जो अपॉर्चुनिटीज है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फिर आप देखें नहर स्वेज की आमदन गुज़श्ता साल की 9.3 बिलियन डॉलर राहदारी की है। आपको पता है अब नए हुरमुस से 70% आयल जो दुनिया की वो यहां से गुजर गया ग्वादर के सामने से। बिल्कुल सही बात। आपको पता है अब नए मलाका पूरी की पूरी फारिस को लिंक करता है दुनिया के संग। तो अल्लाह ताला ने आपको जमीन के मरकज पर बिठा दिया है। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया का आपकी समंदरों में, आपकी खुश्की में, आपकी फिजाओं में रास्ता है। तो वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उस इंग्रेडिएंट्स के लिए जो एक आर्किटेक्ट होना चाहिए, जो एक इंजीनियर होना चाहिए, जो एक ऐसा बंदा, वो नहीं है। और वो मैं समझता हूं कि जब तक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, आप देखें जहां थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आए, ईरान को आप देख लो, तुर्की को आप देख लो, तो उन्होंने वाजे फर्क नजर आएगा आपको उन ममालिक में, उनके जो पॉलिसियों के अंदर, उनके बैन अल-अक़वामी उमूर के ऊपर, उनके मौकफ के ऊपर एक वाजे फर्क नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये असल इशू है। और इस पे जाने की जरूरत इसलिए भी है कि आखिरकार ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सूरजमुखी बन जाएं, कि सूरज जिस तरफ जा रहा है हमारा मुंह उस तरफ होता रहे, कि ताकत का सूरज आज वेस्ट के पास है तो हमारा रुख उधर हो, कल चाइना के पास चला जाए तो हमारा रुख उस तरफ हो। तो श्योर, बिल्कुल ये चीज़ें हमें इस पर तवज्जो देना, यू नो, वन ऑफ द रीजंस के पॉडकास्ट करते हैं कि कहीं कोई ऐसा जुमला कोई किसी पॉलिसी साज इदारे में कोई आदमी अगर सुन ले और वो उस पर एक चीज़ बिल्ड कर सके, दैट कुड बी अ लेगेसी। बट मूविंग अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, टोग्राफिया सिद्दीकी साहब, लेट सिस्टर्स हग, एक हैशटैग भी चला, एक कंपेन चली कि कुछ भी नहीं है तो बहनों को कम से कम गले तो मिलने दो। बाकी तो उसकी हिस्ट्री तो हमने उसकी बहुत रिपीट की, बहुत दफ़ा उस पर बात हुई हमारी, लेकिन अब जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, बग़ैर उस हिस्ट्री में जाए कि उन पर दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, किस जेल में उनको रखा गया, किस अदालत से उनको सज़ा मिली जहाँ पे कन्विक्शन रेट्स कितना हाई है, यानी तो जबर की एक दास्तान है, वो तो अपनी जगह पे है, बट वे फॉरवर्ड, कोई उम्मीद आपको नजर आती है उनकी रिहाई की? देखिए, मैंने तो वाशिंगटन में ये बात की थी जब 20 साल के बाद उनकी बहन को लेकर उनसे मुलाकात हुई थी कि उनकी रिहाई की चाबी वाशिंगटन में इस्लामाबाद में हुकूमत की दीवार में। बिल्कुल, आपके ये जुमला बाज़ यहाँ आके मैंने खतूत लिखे वजीर आजम को, बिलावल भुट्टो उस वक्त वजीर खारजा थे उनको, शाहबाज़ शरीफ वजीर आजम थे उनको, बाकी लोगों को, और मैंने उनको 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन दिए कि अगर आप इसके ऊपर अमल करें तो आप चंद दिनों में आफिया को ला सकते हैं। उसमें कंपेंशनेट ग्राउंड पर रिलीफ एंड रिलीज, ये उनके कानून के मुताबिक है, उसमें क्लेमेंसी पिटीशन, उसमें रिव्यू ऑफ द जजमेंट है, और उसमें स्वैप ऑफ इंटरेस्ट है। आपने हजारों फौजियों को अमेरिका को रास्ता दिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, आपने हजारों घंटों का ट्रेवल करके, यानी मुझे खुद DGISI जनरल फेज ने बताया, जब वो DGISI थे, कि दोहा पीस डील के लिए मैंने हजारों घंटों का हवाई सफर किया है, हजारों घंटों का। आपने इतना बड़ा वाकया दोहा पीस डील करवाया और आपने उसमें अपनी बेटी को, जिसको अमरीका ले जाना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी है,
अमेरिकन सिटीजनशिप किया, वो ग्रीन कार्ड भी उसके पास नहीं, बिल्कुल, और उनकी जो केस है उसमें कोई 9/11, कोई दहशतगर्दी, कोई अलकायदा, कोई टेररिज्म, कोई एक्सट्रे, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक फेक चीज जो अमरीकी सिपाहियों से बंदूक गजनी में लेके वो जिसकी ना कोई फॉरेंसिक है, जिसकी ना फिंगरप्रिंट्स है, जिसके ना खोल है, जिसके ना निशाना, जिससे कोई जख्म, कोई मरा नहीं, पहुंची कैसे, पहुंची कैसे, ठीक। तो मैंने उनको ये दी, असल मसला ये है कि हमारे हुक्मरान मुदई नहीं बन रहे, डॉक्टर आफिया मुदई नहीं, जिस दिन हमारे ये लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं, जब इलेक्शन आता है उनके वालदा के पास जाते थे, उनसे वादे करते थे, इलेक्शन हो जाते थे, इनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकातें होती थी यहां भी और वहां भी, कभी उन्होंने इशू नहीं उठाया। तो ये मुदई नहीं बनते, $5,500 में अपनी अपनी बेटी को, कुरान के हाफिजा को, और वो जहन्नम के अंदर वहां रह रही है जिस हालत में, ये तो हमारी जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनका फर्ज है कि उसके लिए, तो मैं समझता हूँ कि उसका रास्ता अब मुझे ये नजर आ रहा है कि अवाम की बेदारी, अवाम खुद उठें, जो भी हुक्मरान हो उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ाए, इतना दबाव बढ़ाए कि वो मजबूर हो जाए कि वो स्टेट लेवल पर डॉक्टर आफिया की मुदई बन जाए और ये मसला उठाएं। ये अगर उठा दिया इन्होंने, जिस दिन भी इन्होंने स्टेट लेवल पर ये इशू उठा दिया, चंद दिनों के अंदर डॉक्टर आफिया पाकिस्तान से। मैं अब एक चीज़ में उसमें मैं ऐड कर दूं कि अभी हमने अपने प्लेटफॉर्म से, द रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, हमने 4 प्रेशर पॉइंट्स इलेक्शन के लिए जो आगे रिपोर्टेडली आ रहा है उसमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है कि ये वोट फॉर वोट की जो कंपेन थी पहले, जो एक दफ़ा एक मुल्क में एक हवा चल पड़ी थी कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस वक्त जैसे हमने ट्रांसजेंडर्स वाले मामले में वोट फॉर वोट की कंपेन की थी कि हमारे दरवाजे पे वोट पाप मांगने वो आए जिसका वोट हम शरीयत के हक में देखें असेंबली में, जब ये अमेंडमेंट का बिल चल रहा था, तो बड़ी कामयाब हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वोट फॉर वोट में हमारे 4 मुतालबे हैं जिनमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है कि जो उनको लाएगा तो वोट मिलेगा, वादा कर लोगे इलेक्शन में आ जाओगे, नहीं लाओगे तो इलेक्शन इलेक्शन दोबारा भी होंगे। यानी मैं समझता हूँ कि जब तक हम वोटर्स की जो नेशनल पॉलिसी है, पहले तो वोटर्स की पॉलिसी क्या होती थी, गली नाली, इससे आगे नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं, इससे आगे निकल चुके हैं। तो जब तक ये वोटर की जो नेशनल पॉलिसी है, जब तक ये उसका हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक ये दिक्कत होगी। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं आपकी एक मैं ऐड करना चाहता हूँ बीच में, जो आपने कहा कि डॉक्टर आफिया के केस को ये पोलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई वुड आर्ग्यू कि इसको साथ फाइनेंशियल मालिज के लिए भी, जो अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान के कौमी खजाने से $2 मिलियन अमेरिका अपेरेंटली जो उनकी लीगल टीम है उनके लिए वो निकाले गए, उनके केस की कुछ करेंगे, और जो उनकी लीगल टीम है जो उनकी तरफ से खबर है कि नहीं भाई हमें तो ना होने के बराबर पैसा मिला है, बाकी पैसा किधर गया कोई पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि यहाँ से निकला है, वहाँ पे गया है, आगे किसके पास गया है, किधर गया है, नो आइडिया। नाउ ऑब्वियसली हमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि बात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जिन लोगों से सुनी है वो बड़े क्रेडिबल लोग हैं कि ऐसा हो चुका है, पॉलिटिकल माइलेज है, फाइनेंशियल माइलेज है, तो व्हाई वुड दे केयर। मैंने तो ये सवाल किया था सेनेट में जी, और जो आप कह रहे हैं इसका मुझे ये तहरीरी जवाब मिला कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया के केस पर $2 मिलियन उस वक्त 2010 से पहले वो खर्च कर लिए। अच्छा, ये हमारी स्टेट का ही ऑफिशियल जवाब है। ये ये मुझे तहरीरी तौर पर स्टेट ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पर मेरे सवाल के जवाब में बताया, और मैंने वहां जब अमेरिका जाके देखा तो जो मैंने उनकी केस की हिस्ट्री पढ़ी और सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उस वक्त जिन लोगों ने ये $2 मिलियन लिए हैं वो आफिया की रिहाई के लिए नहीं, आफिया को पंसाने के लिए लिए। आपने $2 मिलियन आप देखिए, इस वक्त जो आफिया का केस है वो क्लाइव स्मिथ प्रोबोनो लड़ रहा है, मैं अपने खर्च पे जा रहा हूं, उनकी बहन अपने खर्च पे जा रही, क्लाइव स्मिथ रजाकाराना तौर पर ये लड़ रहा है। तो भाई आप, और इसमें इतनी पेशरफ तो आपको नजर आ रही है, दुनिया को पता चल रहा है आफिया के हालात का, उस आइस मेल्टिंग हो रही है, वो इशू बन रहा है, तो आपने $2 मिलियन
ले लिए और मुझे यानी लोगों ने बताएं जो दो होंगे उस वक्त जो लोग उसमें मुलव्वस थे उस वक्त की हुकूमत जो उसमें मुलव्वस थी उन्होंने लंदन में और अमेरिका में उनके ऊपर फ्लैट्स खरीदे। ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि और मैं आपको ये बताऊं इस वक्त मेरी इत्तलात है और मैं आपके तवस्सुल से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि इसको क्लियर करें। इस वक्त मेरे पास ये इत्तलात आ रही है कि शकील अफरीदी को ये लोग ECL से नाम निकाल चुके हैं और बात चल रही है कि अमेरिका का डिमांड है कि शकील अफरीदी हमारे हवाले किए जाए इसलिए कि इन्होंने हमारी बहुत बड़ी खिदमत की है। अब शकील अफरीदी का इशू यह है कि वो जो ओसामा बिन लादेन का हुआ था वाकया उसी के अंदर वो यानी एक तो आप देखें जासूसी करना और फिर आप देखें पोलियो के कैंपेन को बदनाम करना जो कि पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है और पाकिस्तान में अमेरिका ये हरकत कर रहा है कि उसके जरिए से तो कैसे पोलियो के ऊपर अवाम का ट्रस्ट क्यों आएगा। अच्छा फिर आप देखें कि उनके खिलाफ किसी हाई कोर्ट से किसी सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं लिया गया, FCR से फैसला लिया गया, FCR जो FCR खत्म हो चुका है ताकि स्टेट अगर कल कला प्रेशर आ जाए तो उसको रिहाई दिला सके। तो ये इत्तलात अगर हैं कि उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है तो हुकूमत पाकिस्तान इसकी वजाहत करे और हुकूमत पाकिस्तान ने अगर रेमन डेविस की तरह जबरदस्ती करके अमरीकी खुशनुदी के लिए या वहां से कोई मालियाती फवायद लेने के लिए उन्होंने अगर शकील अफरीदी को रेमन डेविस की तरह छोड़ा तो कौम इसको माफ नहीं करेगी। हमारी बहन वहां है, गुज़िश्ता 20 साल से नाजायज तौर पर है और आप जो हैं अमेरिका के विड्रॉल में भी दोहा पीस डील में भी और फिर रेमन डेविस जैसे कातिल उनके पास आपको पता है सेंसिटिव नक्शे थे उनके पास और दो पाकिस्तानियों को उन्होंने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था और आप मतलब यह है कि उसके लिए ऐसी वो की कि आपने उसको आजाद कर दिया। अच्छा ये सिग्निफिकेंस इस बात की क्या है कि शकील अफरीदी अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका अपने एक बंदे को छुड़ा के क्या मिल जाएगा उसको? देखिए वो समझते हैं कि जिस बंदे ने हमारी खिदमत की और जिस बंदे ने हमारे लिए कौमी सतह पे कुर्बानी दी हम एक सुपर पावर हैं और हमारे फर्ज बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक और वो काम जो कि उनका एक 9/11 के बाद उनकी वॉर ऑन टेरर था उसका एक बुनियादी टारगेट जो था वो ओसामा बिन लादेन था और ओसामा बिन लादेन का उनको लोकेट करने में उन्होंने बहुत बड़ी फैसिलिटेशन की है लिहाजा ये हमारा हीरो है तो हमारे हीरो को कैद नहीं होना चाहिए, हमारे हीरो को कोई गद्दार ना कहे, हमारे हीरो को कोई फांसी ना चढ़ाए, हमारे हीरो को हमारे पास होना चाहिए। तो वो देखे ज़ारे वो एक जिसको कहते हैं ना धमकी और धौंस और ताकत का इस्तेमाल अमरीकी नफ्सियात है उनकी स्टेट साइकी में ये चीज़ पड़ी हुई है तो वो इसलिए ये चाहते हैं कि वो बता सकें कि भाई जो लोग हमारी खिदमत करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम उनको अपने इज्जत भी देते हैं और हम उनको अपना हीरो भी बनाते हैं। नो आई अंडरस्टैंड कि आप समझते हैं कि जो इंटरेस्ट है उनका स्वाप हो सकता है उसकी एक सूरत अगर पर्संस हो सकती है तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को आप इसके हक में होंगे कि अगर शकील अफरीदी का एक्सचेंज हो जाता है रफराकिया के बदले? एंड आई अंडरस्टैंड कि आपका ये व्यू ये है कि मफादात का एक्सचेंज होना चाहिए अफराद का नहीं, अगर ये हो जाता है तो इस आइडिया को इंडोर्स करेंगे आप? देखें एक तो डॉक्टर आफिया के और शकील अफरीदी के केसेस को हमें समझना चाहिए। ठीक डॉक्टर आफिया अमरीकी शहरी नहीं है पाकिस्तानी शहरी, उन्होंने अमेरिकन सरजमीन पे कोई क्राइम नहीं किया, उनके ऊपर जो 86 साल खेल है ना वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक जुर्म है जिसका अमरीकी सरजमीन पर जिसका भी कोई सबूत नहीं है। ये हम तो ये पूछते हैं कि वो अफगानिस्तान पहुंच कैसे, वो तो कराची से अपनी 3 बच्चों के साथ घर से निकली थी और गायब हो गई तो इसे अफगानिस्तान और उसको गज़नी पहुंचाया किसने? तो एक तो ये है कि उनके वो इनोसेंट है, बेगुनाह है, बेकसूर है और उसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पाकिस्तानी शहरी को आप अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो
वो आपको पता है वेंटिलेटर पर थी, दो गोलियां उसको लगी थी अमेरिकन फौजी, और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि उसको आप ट्रायल कर सके, आपने उसको ट्रायल कर। दूसरी तरफ शकील अफरीदी पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी सॉयल पर पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ एक ऐसा जुर्म किया है जिसको पाकिस्तान के कानून में गद्दारी कहा जाता है, ठीक, तो इसमें फर्क है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता 20 साल से कई लीवर्स आए, अभी भी हैं, अभी भी देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें बहुत से मौके ऐसे आए कि आप कर सकते हैं। आप आपको बताए दोहा पीस डील का मैंने जिक्र किया, रेमंड डेविस का मैंने जिक्र किया, विड्रॉल का जो उनका हजारों फौजी यहाँ से गए उसका मैंने जिक्र किया, उससे पहले बहुत से उनके फौजी तालिबान के साथ अगवा हो गए थे और पाकिस्तान ने मुजाकिरात से उनको रिहा करा दिया, उस वक्त आप ये चीज जो है वो कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान का असल मसला ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी मुदई बनने की कोशिश नहीं की कि वो डॉक्टर आफिया के केस में, उस मजलूम खातून हाफिज कुरान के केस में रियासत पाकिस्तान मुदई बन जाए। तो मैं तो स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट का और एक्सचेंज ऑफ द इंटरेस्ट का, उसका मतलब यह है कि मैं हामी हूँ और उस बुनियाद पे, और दूसरे कि उनके केस के लिए अगर आप एक अच्छा हाई क्वालिटी का एक लीगल काउंसिल आप ग्रुप आप हायर कर लें, हायर कर लें, तो देखें वहाँ उस केस के अंदर बहुत कमजोरियाँ हैं, बहुत कमजोरियाँ हैं, आप उस रिव्यू में उसको ख़त्म कर सकते हैं, आप कंपेशनेट ग्राउंड पे उसको ख़त्म कर सकते हैं। इवन गुज़िश्ता 20 साल में क्लेमेंसी की एक, उनके पास एक कानून में इजाज़त है कि क्लेमेंसी का एक वो होता है, जब अमरीकी सदर जो है मुंतखब हो जाता है और उसने ओथ नहीं उठाया होता तो ये दो ढाई माह होते हैं उसमें, पाकिस्तान ने कभी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि ईरान ने किया है। आपको पता है ईरान ने अभी भी कैदियों का तबादला किया, उसमें आपको पता है कि उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर भी और साथ अपने कैदी भी रिहा किए। रूस ने भी किया है, आपको पता है रूस ने भी अभी रिसेंटली माजी करीब में रूस ने भी ये किया, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया। उसकी वजह है कि कभी भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें डॉक्टर आफिया के मुद्दे ही नहीं बन सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं तो उम्मीद अगर सिर्फ रखता हूँ पाकिस्तानी अवाम कि पाकिस्तानी अवाम बिला तफरी वो आफिया के लिए दुखी हैं, वो आफिया से मोहब्बत करते हैं, वो आफिया के लिए परेशान हैं, वो चाहते हैं कि आफिया पाकिस्तान आ जाएं, तो मुझे उम्मीद अब पाकिस्तान के अवाम से है कि वो उठें और वो एक ऐसा ताकतवर प्रेशर डिवेलप करें कि जो भी हुकूमत हो वो मजबूर हो जाए कि वो मुदई बने, वकील बने और डॉक्टर आफिया को लें। इंशाल्लाह अज़ीज़, जो आगे इलेक्शन की बात की जा रही है, भरपूर कंपेन हम करेंगे कि वी वांट दिस मैटर जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब है कि वो इस इलेक्शन का एक पिवटल पार्ट बने, इंटेग्रल पार्ट बने। मीडिया में जो कुछ हो रहा है, बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया में बैठे हैं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उन पर दहशतगर्दी के केसेस हैं और वो अमेरिकन सिटीज़न हैं, और ये पूरी, अब तो खैर इस पर पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं सारी, मगर पे गलत साबित हो चुके हैं। बहरहाल इंशाल्लाह हम ये कंपेन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे दी रॉयलिस्ट के प्लेटफॉर्म से कम ये इलेक्शन का जो प्रेशर पॉइंट है ये ज़रूर क्रिएट हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ट्रांसजेंडर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है। फेडरल शरिया कोर्ट की जजमेंट आ गई, पब्लिक में अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा है कि जो मुख्तलिफ के नाम लेके जो छुपते थे कि काम ट्रांसजेंडर वाला है लेकिन हम तो 5000 साल की हिस्ट्री है और हम तो बस दुआ देने वाले लोग हैं वगैरह, वो सारे उन्होंने मिक्स किए हुए थे। बट डिस्पाइट दैट एक पब्लिक में एक रिजेंटमेंट भी है, लेकिन पॉलिसी लेवल पर जो अहम तरीन हिस्सा है हमारी आज की गुफ्तगू का, कि What we want to understand is के 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में सिर्फ ख़वातीन की, जिनमें ट्रांसजेंडर्स को अब एडमिशन मिल सकता है, यानी कि वो पॉलिसी बेसिकली बन गई है। ऐसे ही थानों कचहरियों में कि ये वो पब्लिक ऑफिसेज हैं जहाँ पे इनको इस रिकॉग्निशन के साथ अब इजाज़त मिल रही है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री इंसानी हकूक के नाम पे उनको प्रमोट किए जा रही है। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें वो हैं कि जो
कोई ज़ाती हैसियत में नहीं कर सकता, इसमें तो स्टेट इन्वॉल्व है। इतना सारा होने के बावजूद आखिर ऊपर हो क्या रहा है? वाई कैन दे सिंपली नो जस्ट गेट रिड ऑफ इट? देखें कैसे सर, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ, हमारी रियासत और हमारी हुकूमत इस मामले में बड़ी ढीठ बनता मुजाहिर। आप जिस तरह फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी चीजें वाजे हो गई है। आपको पार्लियामेंट में हमने समझाया, आपको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज में 6-6 घंटों के इजलासों में, कई इजलासों में हमने समझाया। आपको कुरान सुन्नत की तालीमात, आपको जदीद मेडिकल साइंस, आपको सारी चीजें आपके सामने हमने रखी। आपको 2 साल में फेडरल शरीयत कोर्ट में हमने समझाया और फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला भी आ गया। आप एक ऐसा मसला जिस पे पाकिस्तान के तमाम मसालिक के उलमा मुत्तफिक हैं कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट खिलाफी शरीयत है और ये सकाफती तहजीबी दहशतगर्दी है, आप नहीं कर रहे, ये डीट माने। और ये मैं आपको बताऊं, ये चीज जो है ये समझने की है और ये थोड़ा समय इसका पूरे तनाजुम आपको। देखिए, मैंने एक कानून इंट्रोड्यूस किया, मैं इसकी तरफ आता हूँ, जरा ये आप सुन लें कि पाकिस्तान में शराब की हुरमत मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक। और ये जो आपने अकलियतों की मजहबी तकरीबात के खातिर इजाजत दी है ना, ये खतरनाक। और इसके लिए तमाम अकलियतें कह रही है कि हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, और उन्होंने खुद इसको खत्म करने के लिए तरामीम मुख किए। मैंने 2-2.5 साल पहले तरमीम इसके लिए डाली। आपको पता है कि 2-2.5 साल में मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका कि वो तरमीम में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास कर सकूं। मैंने 2-3 दफा उसके ऊपर एहतजाज किया कमेटियों में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग कम से कम वो शराब पी रहे हैं। और खुद अकलियती सेनेटर हैं, सेनेटर दिनेश कुमार, उन्होंने उठ के मेरी हिमायत की और उन्हें कहा कि आप अकलियतों की आड़ में न पिया करें। ये कैसी पहले पेज पर लिखा, पहले पेज पर 3 बातें लिखी है पहले पेज पर। नंबर 1, हाकिमियत अल्लाह ताला का। नंबर 2, इक्तदार मुकद्दस अमानत है जिसका इस्तेमाल कुरान सुन्नत के खींचे हुए दायरे के अंदर हो। और नंबर 3, इक्तदार जो है वो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से आवाम का हक है। ये 3 चीजें आप इसके खिलाफ कर रहे हैं। आपने हाकिमियत आला, तो ये कैसी अल्लाह ताला की हाकिमियत आला है कि आपके पास FATF के कवानीन आते हैं और आप खुलकर कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में कि इसमें फुल स्टॉप और कॉमा की तब्दीली का हमें इख्तियार नहीं। ये कुर्रे अर्ज पर वाहिद पार्लियामेंट है पाकिस्तान का जिन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंप्रोमाइज की है, वाशिंगटन को और पेरिस को और लंदन को। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, फिर आप ट्रांसजेंडर का आप देखें, वो वाजे हो चुका। अब उसके मुकाबले में मैं बिल ले आया, खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, उसमें एक शिक ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट का लदम हो, और ट्रांसजेंडर एक्ट के जो इकदामात और फैसले वो इस एक्ट के मुताबिक होंगे वो बाकी रहेंगे, जो इस यानी मेरे जो नए खुनसा इसके मुतसादम होंगे वो कालेदम तसव्वुर होंगे। आप देख लें कि तरीका ये होता है कि जब स्टैंडिंग कमेटी में कोई चीज़ जाती है तो वो 3 माह के अंदर मैक्सिमम उसको वाइंड अप करके वापस हाउस में रिपोर्ट देते हैं। 6 माह 9 माह हो गए हैं, कमेटी का इजलास उसके ऊपर नहीं हो रहा, ये पैसिव रेजिस्टेंस है। एक्टिव है, पैसिव तो मतलब तो सामने सामने कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल सामने सामने कह रहे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि न सिर्फ ये नहीं कर रहे बल्कि ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर धड़ाधड़ अमल कर रहे हैं। मसलन आपने एक ऐसी नामी गरानी NGO का बंदा जिन्हें फेडरल शरीयत कोर्ट में खुद कहा कि मैं राम रहीम है और मैं हूं मर्द जी। और मैं ट्रांसजेंडर पैरामेराइजेशन अधिकार था और अब मैं खातून बन गई। और ये भी अदालत ने से पूछा कि आपने मतलब ये है कि कोई
सर्जरी वगैरह कुछ नहीं, आपने उसको फोकल पर्सन बनाया, 18 ग्रेड में आपने उसको भर्ती कर लिया, आपने उसको वो एक्स कार्ड जिससे नादरा वापस हो चुका था आपने उसको वो जारी कर दिया, और आप जो है आजकल में पूरे इस्लामाबाद में ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे गैरत के नाम पे कत्ल है, यहाँ पे खवातीन को विरासत में हक नहीं मिल रहा, यहाँ जितने बच्चे स्कूलों के अंदर है उससे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है, तालीम नहीं है, यहाँ अभी भी फाटा के अंदर लैंड माइंस हैं और बच्चे जो हैं वो अपाहज हो रहे हैं, उससे माजूर हो रहे हैं, यहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, 64% बीमारियां वो वाटर बॉन्डेड है, यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आपको उस राइट्स का कोई एहसास नहीं है, और आपने पूरे इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये बैनर लगाए कि ट्रांसजेंडर राइट ह्यूमन राइट्स हैं, हालांकि नहीं है, हालांकि नहीं है, कतई तौर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ढाका है, एब्सोल्युटली, बच्चों के ये खवातीन के हुकूक पर ढाका है, मर्दों के हुकूक पर ढाका है, पूरी तहजीब और पूरे खानदान के ऊपर ढाका है, मतलब ये वो इमोशनल रेंटिंग है ना कि ट्रांस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, और फिर ये कहते हैं कि नहीं हमारे हमें वेस्ट के साथ अपना जोड़ा करें, हमारी 5000 साल की तहजीब है, ये नारा भी वेस्ट से आया हुआ है कि ट्रांस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, इन रियलिटी इट इजंट। इनके एक साहब हैं, उनको किसी फ्लाइट से उतार लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि नहीं ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जहाज़ पर सफ़र करें, वो जो है ना आपकी जो आपको यह है कि एक फ्रीडम है कि आप आगे पीछे जा सकते हैं, वो बुनियादी हक है कि आप जा सकते हैं, जहाज़ पर जाना प्रिविलेज है, राइट नहीं है, क्योंकि बात याद रखें कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को गारंटी करती है स्टेट, और स्टेट गारंटी करती है फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आपका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, तो उसके लिए थाने में जाके आपने फीस नहीं पे करनी होगी, रिश्वत तो हराम चीज़ है ना, उसको तो सिस्टम के अंदर मौजूद है, सिस्टम से बाहर की चीज़ है वो, तो अगर आप फ्लाइट को कहें ना ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, तो फिर पाकिस्तान के हर गरीब आदमी का हक है कि वो एक शहर से दूसरी जगह पर जाया करे जहाज़ में और फ्री जाया करे, आप ये अलाउ करेंगे? उन्हें नहीं, नहीं आप तो बिगट लोग हैं, नहीं, दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, आप फतवा तो नहीं लगा सकते आगे से, तो ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का भी बड़ा फर्क करते हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ से है तो ये मेरी फील्ड भी बनती है, मैं इसलिए इनसे लीगली इंगेज भी करता हूँ कि देर आर ओवरलैप्स जहाँ पे सिविल राइट्स और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एक तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो हैं ही हैं ना अपनी जगह पे, लेकिन विद इन द स्टेट खवातीन के पास सर्टन सिविल राइट्स हैं, कि ये एक सिविल राइट है उनका कि उनके लिए टॉयलेट अलहदा की जाएगी, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट में नहीं आएगा, इसमें जो ओवरलैपिंग आएगी वो राइट टू प्राइवेसी से, हम डिराइव करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी है तो उनके फिर जो टॉयलेट है वो एक प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, सिर्फ खवातीन के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिविल राइट में तो चीज़ एक्सप्लिसिटली मौजूद है। अब जब आप कहते हैं कि किसी मर्द को आपने ये हक दे दिया है कि वो खुद को ओवर डिक्लेयर करे, और ऐसा ना करने से आप उसका फंडामेंटल ह्यूमन राइट वायलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कोई किसी मर्द को किसी खातून की टॉयलेट में भेज रहे हैं तो आप उस औरत के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, और पहले ये बात हम करते थे हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हो, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज में जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो आपने इनको दाखला दिया है तो इनके टॉयलेट्स आप अलग तो नहीं करेंगे? नहीं, ऑलरेडी तो शुरू हो गया है ना कि जो पंजाब पुलिस में वाकया हुआ था। हाँ जी, के आपका रहीम यार खान से एक ट्रांसजेंडर वुमेन, यानी मतलब ये है कि जो मर्द था वो आया था और वो खवातीन कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा, खवातीन कैडेट्स ने बगावत कर ली, बिल्कुल हड़ताल कर ली कि ये तो मर्द है, हमारे साथ सोता भी है, हमारे साथ टॉयलेट भी शेयर करता है, हमारे साथ ट्रेनिंग भी इकट्ठे करता है। Exactly. तो उनको फिर पंजाब की जो ट्रेनिंग DIG था उन्होंने उसको अलाइदा किया, तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट की थी, उन्होंने जवाब दिया कि हमने उनको अलाइदा कर लिया। मैंने उनसे कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक आपने जुर्म किया है, जुर्म बिल्कुल, उसकी वजह है कि ट्रांसजेंडर एक्ट में लिखा गया है कि आप ऐसे मर्द को खवातीन के वॉशरूम से, खवातीन के लिए मुख्तस मुकामात से, खवातीन के ट्रेनिंग एरिया से, खवातीन के पार्क से नहीं रोक सकते, और रोकेंगे तो आप इम्तियाजी सलूक करेंगे और इसके ऊपर आपको कैद और जुर्माना होगा। तो मैंने कहा आपने किस कानून के तहत ये काम किया? तो ये है, आप देखें ना यूनिवर्सिटीज के अंदर मर्दों को दाखिले की इजाजत ट्रांसजेंडर एक्ट के आड़ में मिल रही है, और जो खवातीन यूनिवर्सिटी का जो मकसद था वो फोत हो रहा है। वो तो यही था ना कि भाई खवातीन जो हैं अपनी माहौल में हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारे दस्तूर के मुताबिक,
वो तालीम हासिल कर सके। आप उस मकसद को आपने फोत कर दिया, हालांकि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद इसको स्टॉप होना चाहिए था, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद इसको ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यहाँ पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, सूबों के अंदर भी। ये बहुत अफसोसनाक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के हिसूल के लिए, इसलिए कि जेंडर रिफॉर्म में आपको जो पैसा अमेरिका और यूरोप से मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए आपको मिल रहा है, और आप उस डॉलरों के लिए पाकिस्तान के अंदर ये तहजीबी और ये सकाफती दहशतगर्दी का वो इर्तिकाब कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि आप यूरोप को खुश कर सकें, आप अमेरिका को खुश कर सकें। कोई लॉजिक इनके पास नहीं है, कोई दलील इनके पास नहीं है, लेकिन ये धड़ाधड़ सिर्फ अपने अकाउंट की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो सेनेटर साहब सीधा सीधा ये सूद वाला मामला नजर आ रहा है, वही हिस्ट्री ये रिपीट करना चाहते हैं कि जो अर्ली 90s में, आई बिलीव 1991 में जो फैसला आया, और उसके बाद उस फैसले को चैलेंज किया जो फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से आया था, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये जो हमें एक स्पेशल तोहफा मिला हुआ है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे फेडरल शरिया कोर्ट का फैसला इनफेक्टिव हो जाएगा, वो दिन और उसके बाद वो बेंच नहीं बना। तो मुझे ये लगता है कि लगता क्या है, सामने सामने की बात है कि इनका सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, चैलेंज करने का मकसद ये था कि ये फैसला फेडरल शरिया कोर्ट का इनफेक्टिव हो जाए, आगे हम बेंच ना बनने दें, 20-30 साल उसमें हम गुजार दें तो एक नई नस्ल जवान हो चुकी होती है तब तक। लेकिन इशू ये है कि उस ज़माने में लोग इतने अवेयर नहीं थे जितने अब हैं, जितना लोगों को अब पता चला है। अब देखें, ये लिटरली लोगों की गैरत को चैलेंज करने वाली बात है। लोग नहीं देखेंगे कानून क्या है। जिस दिन किसी आदमी की बहन, किसी आदमी की बेटी की टॉयलेट में कोई ऐसा आदमी घुस गया, वो नहीं देखेगा आपका क्या कानून है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये गैरत के मामलात हैं, लोग इस पे चुप नहीं बैठेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो बसों में खवातीन की डेजिग्नेटेड सीट्स होती हैं, जिस दिन कोई मर जा के साथ बैठ गया, जिसकी बहन जिसकी बेटी के साथ बैठा, वो नहीं देखेगा आपका कानून क्या कहता है। और आपकी पुलिस भी बगावत करेगी, इसलिए कि पुलिस के भी तो बहन बेटियां हैं ना, किस दिन पुलिस वाले की बहन के साथ कोई बैठ गया, वो भी रजिस्ट करेंगे। तो मैं ये जो इनको इनके जहन में है कि शायद ये हम सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच नहीं बनेगा और कोई लोग भूल जाएंगे इसको, मैं चाहता हूँ इनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि ये नहीं लोग भूलेंगे। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पे जिस लेवल का प्रेशर लोग बनाएंगे कि आप इसको शुरू तो करें, क्योंकि दलील की दुनिया में हम कंफर्टेबल हैं, दलील की दुनिया में हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप इसको खोलें। सुप्रीम कोर्ट तो चलो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो आपका पार्लियामेंट। हाँ, वही तो सिंगल एक पार्लियामेंट कन्वेंस हो गई, बिल्कुल आपकी पार्लियामेंट ने मान लिया, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे, और आपका एक ऐसा बिल, कॉम्प्रिहेंसिव बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, कमेटी के पास जा चुका है। तो आप अगर करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की 30 साल की जरूरत नहीं है। आपने आखिरी महीने के अंदर, जब ये असेंबली फारिग हो रही थी, तो आखिरी महीने के अंदर 120 लॉज इंट्रोड्यूस हुए, ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसमें 75 कानून बन गए, बिल एक्ट्स बन गए 75। आपने अभी रिसेंटली आपने IMF के कहने के ऊपर PIA को स्टील मिल के लिए ऑर्डिनेंस निकालने का, इसलिए कि पार्लियामेंट तो है नहीं, कानून बन नहीं सकता, तो आपने सेनेट का इजलास खत्म करवा लिया, इसलिए कि सेनेट के इजलास की सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस नहीं निकल सकता। ठीक, और खत्म करके आपने ऑर्डिनेंस निकलवा लिया, कानून फर्जी कानून है, 3-4 माह के लिए, सारा कुछ 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, हाँ, और फिर उसमें 4 माह का मजीद एक्सटेंशन हो सकता है, उस दौरान असेंबली उसको वैलिडेट कर ले, मुकम्मल कानून बन जाता है। तो आप अगर करना चाहें तो आपने किया है, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, और इसकी वजह यह है कि ये लोग अमरीकी अलाकार हैं, यूरोपीय अलाकार हैं, और ये लोग उनकी खुशनुदी के खातिर जानते बूझते यहाँ के तहजीब को, यहाँ के अकदार को, यहाँ के रवायात को तबाह करना चाहते हैं। हमारी मुस्लिम ख्वातीन की जो डिग्निटी है, वकार है, इज्जत है, शर्फ नस्वानियत है, उनको खत्म करना चाहते हैं, हमारी नई नस्ल को बदराह करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, इसीलिए ये खत्म नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि वोटर की साइकी, कौम को ये बताना चाहिए कि देखें अगर ये लोग होंगे तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये 3 बातें लिख दी है। बिल्कुल, आपका Article 1, आपका Article 1 पता है क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आपका Article 2 स्टेट रिलीजन इस्लाम इस्लाम होगा। आपका Article 2A
قراردادی مقاصد جو ہیں وہ قابل تنفیذ ہے سائے دستور کا. یہ آپ کا پرنسپل آف پالیسی, آپ کا آرٹیکل 227 228 اسلامی نظریاتی کونسل, پھر کوئی سپریم لا قرآن سن, یہ سارے ہوں گے. لیکن جب تک لیڈرشپ اسی طرح ہوگی اس دستور کے باوجود خدمت پارلیمنٹ جو ہے وہ مغرب اور یورپ کی کرے گی. اس لیے اصل چیز جو میں نے پہلے بھی کہا پولیٹیکل ریولیوشن, مسئلہ وہیں پہ اٹک کے آ جاتا ہے کہ جب تک پولیٹیکل ریولیوشن نہیں, آپ کا ایک بہترین دستور ہے لیکن وہ دستور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے, جن کے گھر میں جانماز نہیں ملتا, جن کو قبلے کا رخ کا پتہ نہیں ہوتا, تو ایسے لوگ جب تک آپ چینج نہیں کریں گے رہن, اس وقت تک پھر یہ آپ دستور کی تنفیذ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. زبردست. ایک آخری چیز اور اس کے بعد ہم اس سلسلے کو تمام کرتے ہیں. آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن ان کی کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے, وچ ازنٹ سرپرائز, کیونکہ انڈین کی کورٹس کتنی آزاد ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. بی جے پی کے پرپوننٹس ہو جائیں, آر ایس ایس کے پرپوننٹس ہو جائیں, کسی مسلمان کے خلاف وہ کوئی بھی ظلم کریں, زیادتی کریں, ریپ کریں, مرڈر کریں, وہ اس اعتماد سے کرتے ہیں کہ عدالت تو اپنی کون سا سزا ہونی ہے. تو وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن ایز اے پاکستانی پولیٹیشین اینڈ سم ون ہو از ویل ورسڈ ان انٹرنیشنل ریلیشنز, آپ کیا دیکھتے ہیں گیون دا فیکٹ کہ جو یعنی کہ جو ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انڈین پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے یا انڈین کورٹ نے کیا کہا ہے, اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس معاملے کی جو ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے کشمیر کی وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے اور انڈیا کا قانون اور انڈیا کی عدالت کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاء پہ اپنی رائے کو مسلط کر سکے. لیکن انڈیا کا دفاع یہ ہے کہ نہیں, ہمارے تو جو شملہ میں آ جاتا اس کے بعد دونوں ملکوں نے یہ پارٹی بن کے تھا کہ ہم کوئی انٹرنیشنل کوئی تیسرا ملک نہیں آئے گا. اب جو چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ درمیان کے, اب اسے دو مزید جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں, ایک یہ کہ دو ملکوں کا یہ بیٹھ جانا اس بات پہ کہ اب کوئی تیسرا ملک اس میں نہیں آئے گا, کیا یہ دو ملکوں کی ذات تک کی حد تک بات ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کو نہیں لے کے آئیں گے, اور وہ تیسرا ملک کیا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز ہیں, یا یونائٹڈ نیشنز کی, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اکیلے سے اس کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا, تو کیا دو ملک مل کے کر سکتے ہیں؟ دیٹس نمبر ون. اور نمبر ٹو کہ کسی بھی اگریمنٹ کی جو اسپرٹ ہوتی ہے جب تک وہ مینٹین رہتی ہے تب تک تو وہ اگریمنٹ بھی رہتا ہے, جب وہ لازمی اس کے جو قواعد ہیں جو شرائط ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اگریمنٹ بھی ختم, اس کی یعنی کہ افیکٹو نہیں رہتا. تو سو فار از وی انڈرسٹینڈ کہ انڈیا نے اس معاہدے میں جتنی باتیں کہیں تھیں وہ ہوئی تو نہیں ہے پریکٹس میں. تو اب یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا پاکستان جا سکتا ہے شملہ معاہدے کے باوجود بھی آن دا دو گراؤنڈز میں نے بتائے, اور اس میں وہ تیسرا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں یا چوتھا, وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں وے فارورڈ کیا ہے, لیکن ایک چیز تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انڈین پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ اور انڈین سپریم کورٹ کا کوئی ججمنٹ یہ کشمیر کے حالات کے اوپر, کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. انہوں نے صرف اپنے چہرے کے اوپر کالک مان لی, اور سپریم کورٹ نے ثابت کیا کہ وہ تو بی جے پی کے جو ہندوتوا ایجنڈا ہے اس کے لیے ایک جوڈیشل ونگ ہے اس کا, اس کا جوڈیشل وہ اس نے اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا قانون اور سپریم کورٹ. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ کا جو جج ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے باقی ججوں کے ساتھ, وہ وہی جج ہے جنہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ ہندوتوا کے حق میں دیا, تو وہ تو آر ایس ایس کا آدمی ہے, تو ان کا ان چیزوں کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا جو کشمیر کی جو ایک انٹرنیشنل لا کے تحت ایک ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے وہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں یہ تو اب غزہ کے معاملے میں بھی ثابت ہو گیا کہ 50 سال میں پہلی مرتبہ یو این سیکرٹری جنرل نے یو این کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کو انووک کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ آرٹیکل 99 کی طرف جب وہ توجہ دلاتے ہیں اور 50 سال میں پہلی مرتبہ سیکیورٹی کونسل کی توجہ دلائی, اس کا مطلب یہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو انٹرنیشنل پیس کو شدید خطرہ ہے یا انٹرنیشنل سیکیورٹی کو شدید تھریٹن کیا گیا, اور اس لیے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ سیکیورٹی کونسل اس کے اوپر بیٹھے, سیکیورٹی کونسل اس کے اوپر بیٹھا جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے, تو امریکہ
उसके ऊपर आज यूएन सेक्रेटरी जनरल ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हम नाकाम हो गए लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो ये तो साबित हो गया कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हॉस्टेज ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। तो हमें उसूलन जंग तो वहां लड़नी चाहिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो ईस्ट तिमूर की तरह या साउथ सूडान की तरह वो कोई वहां पे किरदार अदा करेगा तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीज को रखने, अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए वे फॉरवर्ड सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इंडिया के बारे में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ले, और वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ये है कि भाई इंडिया दुश्मन है। इंडिया ने, आपको पता है ये जो जजमेंट आया है ये मकबूजा कश्मीर के बारे में सिर्फ नहीं आया है, यह आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। अच्छा, इसलिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर का मतलब है मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो आप स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लाएं और आप उसको दुश्मन समझें, और आप दुश्मन जब उसको समझेंगे तो फिर आप उसके मुकाबले आपकी तैयारी करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, उनके धाव पेच को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस चीज की कमी नजर आ रही है पाकिस्तानी मुक्तदिरा में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कि इंडिया के हवाले से इनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। मैंने इस पे जो ट्वीट की, मेरे कहा था से बात इससे पहले कि आगे बढ़ जाए, जो आपने कहा बताया और मेरे इलम में नहीं था कि इसमें आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक का भी जिक्र है, कि मैंने ट्वीट की थी कि चूंकि इंटरनेशनल लॉ पर आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक औरत खुद ही क्लेम कर दे कि मैं फलाक बीवी हूँ। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो बीवी भी हमारी बनना चाह रहे हैं कि हम तक पहुंच गए। चले देखते हैं एक चीज से। दूसरी बात ये है कि देखें इंडिया में गुज़िश्ता 75-77 सालों से एक ही बात को करते हैं कोई भी पार्टी की हुकूमत आए या उनकी मिलिट्री लीडरशिप में, कि कश्मीर अटूट अंग। आपने भी एक नारा लगाया कश्मीर शहरग है, ठीक है, लेकिन आप कभी कहते हैं थर्ड ऑप्शन, कभी कहते हैं चनाब फार्मूला, ठीक, कभी कहते हैं जंग ऑप्शन नहीं है। ये जनरल बाजवा ने भी खुद कहा है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा। आप देखें वो बंदा जिनको आप वजीर आजम बनवाया जा रहा है उनकी 2-3 दिन पहले बयान आया था कि हम इंडिया के से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। आप मतलब ये जो एक यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक, एक तसलसल नहीं है, इसका नुकसान हुआ। तो दूसरी चीज ये है कि आप शहरग है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, ये वाइटल इंटरेस्ट है और वाइटल इंटरेस्ट को किसी ताजिराना सौदागराना साहूकाराना सोच के साथ प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, ये दूसरी। तीसरी चीज फिर आपकी है कि देखिए वहां पे जो कुर्बानी दे रहे हैं ना वो कश्मीर के अवाम दे रहे हैं, सही बात, ठीक है, और कश्मीर के अवाम इतनी कुर्बानी दे रहे हैं कि जेनोसाइड वॉच ने कहा है कि वहां जेनोसाइड का खतरा है। ह्यूमन राइट्स की आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आप वो सब के सब कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है, गुमनाम कब्रें हैं, मास किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। आप देखें वो ये सारी कुर्बानी वो दे रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको मायूस ना करें। जब आप इस तरह की बातें करते हैं वो मायूस हो, आप उनको सपोर्ट करें जी। और ये आम स्ट्रगल जो है ये राइट उनको यूनाइटेड नेशन ने दिया है कि वो ओप्रेस्ड है, कि वो ओप्रेस्ड है, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर कहते हैं वो आम स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आप उनको सपोर्ट करें, उसमें कोई माजरत का खाना और कोई उसमें, और आप देखें ना इंडिया जो कुछ कर रहा है, उन्होंने कनाडा में एक सिख को मार दिया, अमेरिका में एक सिख के ऊपर हमला कर दिया और दूसरे मुकामात के ऊपर। अब तो दुनिया को पता चल गया कि ये कुलभूषण जो आपको भेज रहा है, कुलभूषण से थोड़ा सा बात, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में उनके चेहरा खुल गया है, आप क्यों उसको इस्तेमाल नहीं कर, वो तो एक रूग आर्मी है, एक रूग इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये बड़ी जहन को माउफ करने वाली बात है कि उनकी रोगनेस ये पहली बार नहीं है। यूरोपियन यूनियन की जो डिसइन्फो लैब थी, 100 से ज्यादा फेक अकाउंट्स इंडियन स्टेट के साथ एफिलिएटेड जो पाकिस्तान के, और वो हमने डिस्क्लोज नहीं किए, हमने नहीं, उन्होंने किए। मैं डिस्क्लोज को छोड़े, हमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमें यूनाइटेड नेशन में जाकर धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा है, एंड वी डिडंट इवन रिस्पोंड टू इट। आप ये करें और सपोर्ट करें उनको।
अच्छा तीसरी चीज पर ये तीसरी चौथी चीज मैंने सेनेट के फ्लोर पर भी कहा कि देखें आप एक तो डेडिकेटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर बनाए जिसका सिर्फ एक ही काम है इस वक्त आपका एक कश्मीर कमेटी है और वो कश्मीर कमेटी आपको बताए मैंने तो उनका कोई कारकर्दगी नहीं दी कोई कारकर्दगी नहीं दी तो आप एक डेडिकेटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर कास्ट के लिए जो सिर्फ फोकस करे इंटरनेशनल फोरम पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर के इशू के ऊपर और टारगेट करे इंडिया को ये चौथी चीज पांचवी चीज मैंने उनसे ये कहा है कि आप खुद ऐसा करें कि इंटरनेट के ऊपर डाटा मौजूद है आप खुद एक प्लेबिसाइड कमिश्नर तयन करें और खुद अपनी आप ऐलान कर लें कि ये हमारा प्लेबिसाइड कमिश्नर है और ये हमारा इस्तेस्वाब हम करना चाहते हैं और दुनिया भर में जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको इन्वॉल्व करें और आप ये क्रिटिकल हाँ और आप कश्मीर के जो 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 स्टेट ऑफ कश्मीर है पाकिस्तान का आजाद जम्मू कश्मीर उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड करें मकबूजा कश्मीर तक क्यों आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हमने इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे नाम जो रख लिया कश्मीर आप एक्सटेंड करें उस तक आप एक्सटेंड नहीं कर रहे क्या तुकबंदी है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर डाल रहे हैं और आप एक्सटेंड नहीं कर रहे आजाद कश्मीर तो आजाद कश्मीर की हुकूमत है एग्जैक्टली तो क्लेम तो कम से कम आप क्लियर हो ना भाई ये आजाद हुकूमत है आजाद हुकूमत है एक बाकायदा एक हुकूमत है वो तो आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक्सटेंड कर लें कि वो ये सारी चीजें वो है दूसरी बात यह है कि आप कश्मीरियों को इंटरनेशनल महाज के ऊपर भेजें कि वो खुद अपना केस पेश करें यानी मैं अगर पेश करूंगा कोई और पेश करेगा उसके अंदर इतनी असर और जान नहीं होगी जितना कश्मीरी खुद अपना केस पेश करे तो देखिए ये वो चीज उस वक्त होगी जब कोई ऐसी हुकूमत होगी कि जो फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ठीक एक ये चीजें मुश्किल नहीं है इसके लिए एक मुखलिस एक विजनरी एक ऑनेस्ट एक डेडिकेटेड एक ब्रेव लीडरशिप चाहिए बिल्कुल आसानी से हो सकता है आप देखें ना अभिनंदन जो था वो आपके पास सबसे बड़ा सबूत था आपने अपने हाथों से उनको दे दिया और मुझे डर है कि कल एक कलभूषण भी दे देंगे उसका जहाज के टुकड़े पाकिस्तान मेनलैंड पाकिस्तान के ऊपर पड़े हुए थे आपने कौन सी चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल की आप तो उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं आप तो उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह रद्दअमल की पॉलिसी है इंडिया एकदम करता है और हम एहतजाज करते हैं जब तक इस तरतीब को आप उलट नहीं देंगे कि हम एकदम करेंगे उस वक्त तक आप कश्मीर को बचा नहीं सकते तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैंने अर्ज किया था कि लास्ट क्वेश्चन लेकिन आपकी मौजूदगी इसको मौके का फायदा उठाते हुए वन लास्ट क्वेश्चन आई प्रॉमिस कि इस वक्त जो एक डिस्पैरिटी पाई जाती है अवामुन्नास में और जो हमारी ऊपर एक लेयर है ऑफ वो 17.4 बिलियन खाने वालों का और तबकाती तकसीम एक पाई जाती है इट डजंट लुक लाइक एक कोहेसिव शक्ल होती है ना कोहेरेंट शक्ल मुल्क की होती है कि जिसमें ठीक है कि अवाम के वो शिकवे शिकायत होते हैं एक दूसरे से भी होते हैं हुकूमत से होते हैं सियासी पार्टियों के एक दूसरे से होते हैं अवाम से होते हैं लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर वो एक मुकम्मल शक्ल नज़र आती है कि एक मुल्क है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त नज़र नहीं आ रही है आप उन रेयर लोगों में से हैं पाकिस्तान में कि जो हकूमती हलकों में भी रियासत के जो ताकतवर हलके हैं या माफी चाहता हूँ जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है आप उसका हिस्सा हैं और आम आवाम में भी आप घुलते मिलते हैं वक्त देते हैं कि 5 साल के बाद आपको हल्के में लोगों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यू एक्टिवली आर पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये जो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है ये डिस्पैरिटी का आपसे कैसे देखते हैं ये बहुत खौफनाक है और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है जिसको अब्दुल कादर हसन बदमाशिया कहते थे ये दुनिया की अर्ज की बेरहम अशराफिया मैं जब इसके ऊपर सोचता हूँ मेरा दिमाग माफ हो जाता है पाकिस्तान में पाकिस्तान के गरीब वो अपनी मेहनत की कमाई अपने खून पसीने की कमाई अपने हाथों से इस निज़ाम की वजह से मालदारों के बालादस्त तबकात के अशराफिया के जेब में 1% रिपब्लिक है अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान है आप अंदाजा कर लेना मैं सिर्फ चंद मिसालें आपको गुज़िश्ता दिनों मैंने सेनेट में ये इशू उठाया कि 200 मिलिट्री सिविल रिटायर्ड अफसरान हैं जो रिटायरमेंट के बाद चले गए हैं मगरिब और यूरोप में और पेंशन ले रहे हैं
और उन्होंने उनके लिए हुक्म जारी हुआ है कि उनको डॉलरों में पेंशन खिलाई। ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि कौम डॉलरों में पेंशन नहीं ले रही, और ये पेंशन रूल की भी खिलाफ वर्जी, और 200 मिलियन रुपए उनके ऊपर सालाना खर्चा है। पूछने वाला कोई नहीं। आप अंदाजा कर ले, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है बजट में हुकूमत ने पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया, तो उससे जो सबसे ज्यादा पेंशन लेने वाला है उसकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ, और जो सबसे कम पेंशन लेने वाला है उसकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ? सबसे ज्यादा पेंशन लेने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज, उसकी पेंशन में इजाफा हुआ महाना 150,000 रुपये इजाफा हुआ। और जो सबसे कम पेंशन लेता है उसकी पेंशन में इजाफा हुआ 3,500 रुपये। अब ये वो जो डिस्पेरिटी आप कह रहे ना, ये खलीज बढ़ रहा है और ये बड़ा खौफनाक है। इस वजह से आपके इस वक्त स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उससे ज्यादा स्कूलों से बाहर है। इस वजह से आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त खाते गुरबत से नीचे हैं। खाते गुरबत का मतलब है एक वक्त का खाना उनको मिलता है। ये देखें आप, ये जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का बता दिया ना, आपको दिलचस्प है पेंशन का जो 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 रेशो है पता है क्या है? पाकिस्तान में 1:92, यानी कम से कम पेंशन अगर कोई बंदा ले रहा है 1 रुपए तो ज्यादा से ज्यादा ले रहा है 92। आपको पता है यूके में ये रेशो कितना है? 1:11। हमारे यहाँ 1:92, यानी ज्यादा पेंशन लेने वाला कम पेंशन लेने वाले से 92 गुना ज्यादा पेंशन ले रहा है। और ये सिर्फ पेंशन, ये नहीं पेंशन है, लेकिन पेंशन कहने का मतलब ये है ना कि पेंशन के साथ जो बाकी मराहत हैं, exactly. उसके साथ गाड़ी, उसके साथ 3 गार्ड 24 आवर्स 8-8 घंटे के लिए 1 गार्ड, उसके साथ ड्राइवर, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पेंशन टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा हमारा, हमारी जितनी तनख्वाह होगी वही पेंशन होगा, और इस के साथ साथ हमारी वो तमाम मराहत जो बहसियत है हमें हाजिर सर्विस जज हाजिर, ये जुल्म है, ये जुल्म है जो इस मुल्क के अंदर। आप देखें गरीब आदमी, मैंने उस दिन कहा आपने गैस की कीमतों में 193% इजाफा किया एक ही गो में। आप 11 किस्म के टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिलों में, 11 किस्म, एक दफा मैंने गिनवाए, टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2, टैक्स नंबर 3, और आप खत्म नहीं कर रहे इस मसले को। अब देखिए कितनी तकलीफ में है लोग, परेशान है लोग, बदतरीन 42% CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेशियो है आपकी 42%, डिफॉल्ट श्रीलंका से भी ज्यादा। न बिजली है, न गैस है, न अदवियात है, न तालीम है, अमन अमान भी नहीं है इस वक्त। तो आपको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर जो रीएमर्ज हुई है टेररिज्म, वो बड़ी खौफनाक एक बला की सूरत में, बड़ी खौफनाक सूरत में वो सामने आई है। तो आप जो है ये चीज है, अब फिर आप दे देखें, मैं तो इस पे बोलता रहता हूँ, फिर पार्लियामेंट में बिल आता है, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मेंबरान सेनेट की मराहत, 42 सेनेटर उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, 42 सेनेटरों की तरफ से वो पेश हुआ है। और उसमें पता है क्या है? उसमें ये था कि साबिक चेयरमैन सेनेट और मौजूदा चेयरमैन सेनेट उनको जो मराहत हासिल होंगे वो ये है कि वो कुर्रे अर्ज पर किसी भी अस्पताल में अपने बच्चों और अपने एडॉप्टेड बच्चों का कौमी खजाने से इलाज करा सकते हैं, चार्टर तैयारा हायर कर सकते हैं। अब मैंने उनसे कहा, मैं सिर्फ मैं ही उनके खिलाफ था, मैंने उसकी मुखालिफत की, मैंने कहा देखें मैं अकेला हूं, आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि मेरी जो डाइसेंटिंग नोट है इसको रिकॉर्ड पे ले आए, वो तो मेरी नो नो का और मेरी जो एहतजाज कर रहा था कि मुझे बोलने का, वो मौका बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी डाइसेंटिंग नो रिकॉर्ड करा दी, वो जो मैंने रिकॉर्ड करा दी दुनिया ने देख ली ना, उसके खिलाफ इतना शदीद किस्म का रद्द अमल आया कि वो पार्टियां, सब पार्टियां उसमें थी सिवाय जमात इस्लामी, सब पार्टियां सिवाय मेरी पार्टी की, सब उसमें थी कि वो जो सेनेट से उन्होंने पास कर दिया था मेरी मुखालिफत, सिर्फ एक बंदे के मुखालिफत के साथ पूरे सेनेट के इत्तेफाक से उन्होंने पास कर दिया था कौमी असेंबली में, फिर उसका कोई वाली वारिस नहीं था और वो बिल कानून नहीं बन सका, वो कानून नहीं, लेकिन इन्होंने तो अपनी वारदात डाली थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आवाज उठाई, लोग खबरदार हो गए और उसकी बुनियाद पे एक रद्द अमल आया और ये पीछे हट गए, लेकिन अमलन बदतरीन किस्म की एक तबकाती तकसीम है।
और गरीब जो है वो पिस रहा है। और आप देखें अभी किसान है बेचारा, आपका 22% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर का है, आपका मोर देन 40% जो वर्क फोर्स है वो कपा है, वहां पे वो कपा दिया गया है। लेकिन अब आप देखें यूरिया खाद नहीं है और ब्लैक में 2000 रुपए महंगी वो मिल रही है। और फिर आप देखें अभी आप देखें कि रिसेंटली 3 दिन पहले खबर आई कि 10,000 ऑफिसर्स FBR के 2 सालों से अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करा सके। FBR जो टैक्स कलेक्ट करेगा और जो फाइलर्स बनाएगा और जो टैक्स नेट को बढ़ाएगा, वो गुज़िश्ता 2 साल से 10,000 ऑफिसर्स अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करा सके। तो खुद टैक्स चोरी। मैंने सवाल किया था सेनेट में कि भाई ये जो लोग हैं जो इस वक्त FBR में है, FBR को तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता हूँ कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये फ्रॉड ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। कि ये जो इस वक्त FBR के अफसरान हैं 22 ग्रेड में, ये जब भर्ती हुए थे 17 में, उस वक्त इनके एसेट्स क्या थे और अब क्या हैं? आपको पता है FBR ने क्या जवाब दिया कि हम पार्लियामेंट से अपने ऑफिसर्स के स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स शेयर नहीं कर सकते। ये माफिया है, ठीक है, वाकई नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, exactly. आप सरकारी नौकरें, ये उनकी बदमाशी है। आप देखिए यहाँ माफियाज है, यहाँ। लेकिन इसमें एक चीज में सेनेटर साहब के मसला ये है ना कि कानून के मुताबिक तो अगर एक कमेटी बैठ जाती है और वो तलब करती है तो ना तो ये नहीं कर सकते, लेकिन मसला है कि कमेटी में जो बैठे हुए हैं उनके अपने टैक्स रिकॉर्ड कितने साफ हैं। जब बात आई पूरे हाउस में सिवाय मेरे FBR के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, उनके खिलाफ खड़ा कैसे? नहीं होता। तो ये सारे इन्फेक्टेड है, ये सारे इनको वायरस हो चुका है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे में आपका जो माफिया पाकिस्तान के ऊपर कब्जा, आप देखें शुगर माफिया जी, आप देखें सीमेंट माफिया, सरिया माफिया, आटा माफिया, ये सारे IPPs माफिया, आपको पता है मोर देन 100 IPPs हैं। और इस साल यानी आप देखें 40-50 रुपए यूनिट गरीब आवाम को मिल रहा है, किस लिए? फर्नेस ऑयल की वजह से, इम्पोर्टेड कोल की वजह से और RLNG की वजह से। और आपका जो 7 रुपए में बिजली बन रही है, 7 रुपए में हाइडल, वो आप नहीं बना रहे, और जो 40 रुपए में फर्नेस ऑयल से बन रहा है और 48 रुपए में RLNG से बन रहा है, आप उसके प्लांट लगाए हुए हैं। और आपको पता है कैपेसिटी चार्जिंग कीमत में, यानी बिजली ना बनाने कीमत में 2,200 अरब रुपए इस साल हुकूमत पाकिस्तान कौम के खजाने से वो पे करेगी IPPs ओनर को। अनबिलीवेबल अमाउंट। आई मीन अब ये देखिए, मैं जो हमारी जो स्पार्को है उसको मैं आमतौर पर बेस बना के मैं कंपैरिजन किया करता हूँ, इसलिए कि जो आगे स्पेस इकोनॉमी है वो दुनिया का एक मेजर ब्रेकिंग एक ब्रेक थ्रू है और दुनिया के मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी स्पार्को का बजट इस साल का सिर्फ $26 मिलियन है, सिर्फ $26 मिलियन, जिससे हमने आगे दुनिया में जिसकी स्पेस पे हुकूमत है उसकी दुनिया पे हुकूमत है, ये इतनी बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और हम हजारों अरब रुपया दे रहे हैं काम ना करने का। स्पार्को का जो चीफ है वो कौन सा साइंसदान? एक रेस को सूरज के नजदीक ना जाने दे। फ्लाइट जारी रहे तो अच्छा। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि देखें आवाम को ये समझना चाहिए, आवाम को ये समझना चाहिए किन के हाथों हुआ है, ये जिनकी हुकूमत है रही है, हुकूमत मुकद्दस अमानत नहीं है, लूट मार का प्लेटफॉर्म है, सही बात, गरीब को लूटने का प्लेटफॉर्म है। अब जो है ये पाकिस्तान IMF का गुलाम बना दिया इन लोगों ने, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान अनपढ़ों का लश्कर तैयार कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई और बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों मर रहे हैं। तो इसका इलाज पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, आवाम समझे, आवाम समझे। मैंने तो 6 साल मेरे राय कैसे सब पूरे हो रहे हैं, और मैंने 6 साल ये
रोना रोया है, मैंने जैसा लिए आवाज उठाई है, मैंने जैसा लिए दर्द बयान किए और मैंने कोशिश की है कि माफिया को बेनकाब करूं, एक्सपोज करूं, के गरीबा में हाथ डालूं और साथ आवाम को एजुकेशन और शऊर दूं कि भाई उठो, बहुत बड़ी उठो, आप सोए हुए हो, आपके अपने हुकूक के ऊपर ढाका पड़ रहा है और आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। तो ये इलेक्शन का जो आपने कहा ना कि इलेक्शन साई की और इलेक्शन के हवाले से एजुकेशन और अवेयरनेस, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी यकीन सेनेटर साहब, लोगों तक आपकी ये बात यकीन पहुंची होगी। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इलेक्शन टू इलेक्शन, अवेयरनेस बढ़ाना, यही हमारा काम है इंशाल्लाह अजीज। यही उम्मीद है लोगों से कि वो ओनरशिप लेंगे अपने प्रॉब्लम्स की और कंपेल करेंगे थ्रू ए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के वो मुल्क में चेंज लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।